नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त लोकसभा की जो तैयारियां हैं, सभी पार्टियां जुट चुकी हैं, चाहे वो यूपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या अन्य जो भी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। इसी के साथ साथ मुकेश की जो वीआईपी पार्टी है, वो भी लोकसभा की तैयारी में अभी से निरंतर मेहनत करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मुकेश सहनी लगातार बिहार में कहीं ना कहीं पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ जो है कहीं ना कहीं पर उनकी डेली मीटिंगें चल रही हैं। इससे लग रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, उसको बहुत मजबूती से आने वाले समय में वीआईपी पार्टी लड़ने की तैयारी अभी से बना रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ लोकसभा का चुनाव बिहार राज्य के अंदर ही लड़ा जाएगा, या झारखंड और उत्तर प्रदेश या इन तीनों स्टेट के अलावा और किसी प्रदेश में भी वीआईपी पार्टी को मजबूती से तैयारी करनी चाहिए, और बिहार में लोकसभा के चुनाव को किस तरह जीता जाए, ये आप लोग भी जो है अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, सभी पार्टियों में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, और पार्टियां जो बिहार में आरजेडी है या नीतीश कुमार जी की पार्टी है, अन्य जो पार्टियां हैं, वो चाहती हैं कि मुकेश सहनी जी के पास जो वोट बैंक है वो किसी तरह से उन लोगों के साथ जुड़ जाए और उसका बेनिफिट उन पार्टियों को मिले। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर मुकेश सहनी किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं, तो क्या वो अकेले लोकसभा की कुछ सीटें निकाल पाएंगे? तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। और अगर वो किसी भी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं, तो इससे उनको नुकसान होगा कि या अन्य पार्टियों को नुकसान है? और इसी के साथ साथ आपको बताना है कि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा इफ्तियार पार्टियां ईद के मौके पर बिहार में और अन्य राज्यों में भी देखी गई हैं, तो वहाँ पर मुकेश सहनी जी भी नज़र आए हैं और तेजस्वी यादव नज़र आए हैं, चिराग पासवान नज़र आए हैं। तो एक बहुत बड़ा समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है बिहार के अंदर, कि हो सकता है कि लोकसभा में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या अन्य जो भी पार्टियां हैं, इकट्ठा होकर के एक महागठबंधन बना करके बीजेपी और एनडीए के खिलाफ लोकसभा में अपना दांव पेंच रख सकती हैं और बड़े पैमाने पर मजबूत से लोकसभा के चुनाव को लड़ा जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि बिहार के अंदर ये जो चीज़ें अभी हलचल में हैं, देखने को मिल रही हैं, इससे आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर खेला होने वाला है या नहीं? और अपनी आप राय रखिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर जो भी दल बिहार में है, झारखंड में है, यूपी में है, तो क्या सब लोगों को इकट्ठा एक साथ आकर के भाजपा को रोकने का प्रयास लोकसभा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर नहीं करते हैं, तो इससे भाजपा को नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? मुझे तो लगता है कि अगर ये लोग इकट्ठा होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इससे सीधा सीधा जो है लाभ बीजेपी को आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हार निश्चित है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ परसेंट वोट बढ़ करके मिल सकता है, लेकिन ऐसे में इन लोगों की हार तो निश्चित है, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो हमारा मानना है और हमारी टीम का कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी को लोकसभा बिहार में एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो इन लोगों को भाजपा को हराने में आसानी होगी। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग देखते रहिए वीआईपी न्यूज़ टुडे यार, और खुश रहा करो, मस्त रहा करो। और यार, इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगती है, इसको लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार। ये कहना ना पड़े आप लोगों को, इतनी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है और आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगली वीडियो से भी दमदार बना सके। चलिए यार, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।